ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है रविवार की द्वादशी तिथि। इस पूरी वीडियो में हम लोग तीन सबसे प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आप सभी को सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म जरूर होगी। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। तो हम लोग पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको करना होगा नमक से, है ना। अगर आपकी पहले फायदा समझ लो, अगर आपके घर में धन संपदा नहीं आती है, यानी कि आप कर्जे में डूबे जा रहे हो, आपके घर में पैसा बिल्कुल टिकता ही नहीं है, तो इस काम को जरूर करना होगा, है ना। देखो, यहां पर हाथ में कुछ व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, भैया आजकल तो पत्थर पड़ रहे हैं, तो शायद वही है। जी नहीं, ये वो नहीं है, ये है खड़ा नमक, है ना। हमें पिसा नमक नहीं लेना है, इस तरीके से खड़ा नमक लेना। किसी भी किराना स्टोर पर जाओगे, वहां पर आपको मिल जाएगा। मात्र एक टुकड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। ले लिया नमक। लेने के बाद आपको जरूरत होगी इस तरीके से झाड़ू की। तो आपको नया झाड़ू लेने की जरूरत नहीं है, जो झाड़ू आप घर में रेगुलर यूज करते हैं, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, वही झाड़ू चाहिए होगा, ठीक है। यहां पर समय सुन लो। जब आप सुबह सो करके उठते हैं, सब कुछ करने के बाद सबसे पहला काम घर का क्या करते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। तो झाड़ू लगाने से पहले, झाड़ू लगाने के बाद नहीं, झाड़ू लगाने से पहले इस काम को करना होगा, ठीक है। अब समझो, आपको ये जो झाड़ू दिख रही है, इस झाड़ू को आपको बाएं हाथ में यानी कि उल्टे हाथ में पकड़ना होगा, ठीक है। और जो मैंने ये आपको नमक दिखाया, इस एक टुकड़े नमक को आप अपने दाहिने हाथ में यानी कि राइट हैंड में पकड़ना, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो कि ये आपने झाड़ू को बाएं हाथ में पकड़ा है और आपने दाहिने हाथ में क्या लिया है, एक नमक का टुकड़ा। उसके बाद आपको 7 बार, कितनी बार, 7 टाइम्स आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस झाड़ू को घुमाना, मतलब नमक को झाड़ू के चारों तरफ घुमाना होगा, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है। घुमा दिया। घुमाने के बाद क्या करेंगे, झाड़ू को उसी जगह पर फिर से रख देंगे। रखने के बाद उस नमक के एक टुकड़े को लेके घर के बाहर जाएंगे, जो आपके घर का मेन गेट होता है ना, वहां पर जाकर के खड़े होंगे और तेजी से उस नमक के टुकड़े को फेंकेंगे और तुरंत घर के अंदर घूम जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि नमक का टुकड़ा कहां पर गिरा है। खेल नहीं खेलना है कि हम देखते हैं कितना दूर जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। घर के बाहर निकलते ही नमक के टुकड़े को तेजी से फेंकेंगे और तुरंत घर के अंदर घूम जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर मेरी बात सुनना, उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन करना होगा, सुबह के टाइम पे। 7 रविवार अगर आपने कर लिए, उसके बाद आपको फर्क नजर आएगा कि पहले आपके घर में पैसे बिल्कुल नहीं टिकते थे, उसके बाद माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी जरूर रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने पहले उपाय की बात कर ली इस वीडियो की। अब हम लोग दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि है सफेद फूल का उपाय, है ना। सिर्फ सुनिएगा, देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहां पर सफेद फूल दिख रहा है। कोई जरूरी नहीं कि आप यही सफेद फूल लें, नहीं, आपके घर के आसपास जो भी सफेद फूल आपको आसानी से मिल जाए वो सफेद फूल लेना, ठीक है। जो बताने जा रहा हूं पहले सुन लो। अब उस सफेद फूल को क्या करोगे, तांबे के लोटे में पहले आप जल भरना और एक सफेद फूल को डाल देना, ठीक है। डाल दिया सफेद फूल को। उसके बाद जब आप रविवार के दिन सुबह सो करके उठते हैं, तो सूर्य भगवान को उसी जल से आपको अर्घ देना होगा, चढ़ाना होगा, अपनी मनोकामना को कहते हुए, जो भी विश आपकी अधूरी है, ठीक है। अब सुनो जो बताने जा रहा हूं, आपने जल चढ़ा दिया, जल का पात्र खाली हो गया है। अब आपको उस जल के पात्र को क्या करना है, धुलना नहीं है कि आप धुल करके रखें, जी नहीं, आपको इसमें जल भी नहीं भरना है। वैसे का वैसा ही जो जिस जल से रविवार के दिन जल चढ़ाया भगवान सूर्य को, वह जल ऐसे ही आप पूजा वाले कमरे में रख देना, ठीक है। अगले दिन सोमवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठें, स्नान वगैरह करने के बाद, उसके बाद फिर इसमें आपको जल भरना होगा, बिना लोटे को धुले हुए इसमें जल भरना, और इस जल को ले जाकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना। जो भी आपकी कामना होगी, मात्र 3 महीने में पूरी जरूर हो जाएगी। एक बार करके देख लेना, उसके बाद आपको खुद विश्वास हो जाएगा, है ना। का ध्यान रखना, जिस कलश से जल आप सूर्य भगवान को रविवार के दिन अर्घ देंगे, उस कलश को अर्घ देने के बाद धुलना नहीं है, उसको रख देना है। सुबह जब आप सोमवार के दिन जल चढ़ाने जाएं महादेव को, तो उसी कलश में फिर से जल भरें और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करिएगा, ठीक है। बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है, लास्ट उपाय की बात करते हैं, जो कि है लाल मिर्च से करना होगा, है ना। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहां पर आपको लाल मिर्च दिख रही होगी, है ना। कैसे करना है अब बताऊंगा, लेकिन अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो लाल मिर्च लेना, लेकिन हमें लाल मिर्च की जरूरत नहीं है, यहां पर एक लाल मिर्च लेना, लेकिन इसको फाड़ लेना बीच से। जब फाड़ोगे ना, तो आपको इस तरीके से उसमें से बीज नजर आएंगे, है ना। क्या करोगे, या तो 11 ले लेना या फिर 21 बीज ले लेना लाल मिर्च के। ले लिया। उसी तरीके से फिर एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भरना, ठीक है। जल भरना, कोई सा भी लाल फूल
जो भी आपके घर के आसपास आसानी से मिले लाल फूल डालना, और जो मैंने आपको 11 या फिर 21 मैंने मिर्च के दाने दिखाए उसको इसमें डाल देना। डालने के बाद जब आप रविवार के दिन सुबह सो करके उठें, स्नान करने के बाद जब भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो वो सारी चीज़ों को उसमें डाल करके कलश में और भगवान सूर्य को अर्घ दे देना। जो भी आपकी मनोकामना होगी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ये पावर होती है जो लाल मिर्च का बीज होता है ना उसको समर्पित कर देने से। ठीक है, तो तीन सबसे प्यारे सबसे सुंदर उपाय की बात की है हमने इस पूरी वीडियो में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही करने होते हैं। तो करिएगा इस उपाय को, आपकी जो भी तकलीफें होंगी महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।